पहले तो आप बताओ कि अगर आपका जेंडर चेंज हो जाए तो सबसे पहले क्या करोगी? मुझे तो क्या करना पसंद करोगी? मैं क्या करना पसंद करूँगी? हाई लेवल की बूंदी करेंगे, खुद भी करेंगे, फनी होंगे कि बहुत फनी होंगे, खुद भी फन करेंगे और दूसरों को भी फन करेंगे। ये क्या करते हैं, कोई लड़की को देख ले तो नीचे से शुरू होते हैं ऊपर तक देखते हैं, उनको पता है यही होता है ना। अच्छा, नीचे से ऊपर तक देखते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? फिर कहते हैं वाओ, कहते हैं यार, फिर अपने दोस्तों को कहते हैं यार ये तेरा माल है। रिश्ता दरकार है इस लड़की का जिसको पसंद है आके रब्ता करे। मेरे सामने इतना हसीन लड़का खड़ा हुआ, सेट कर लो। नहीं, मुझे किसी को नहीं फसाना यहाँ पे, अभी मैं पढ़ने आई हूँ यहाँ पे आपकी दोस्त। सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइज, तो एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के लड़के तो लड़के हैं, लड़कियां भी किसी से कम नहीं है भाई साहब। मतलब क्या बोलते हैं वो, थरकपन कह लो या कुछ भी कह लो, कुछ मतलब ऐसा ही है। मुझे पता नहीं मुझे क्या वर्ड बोलना चाहिए, बट जो भी है वो यही है। तो लड़कियों से ये पूछा गया है कि अगर उनका रातों रात जेंडर चेंज कर दिया जाए, मतलब कि वो रात अगर सुबह उठे और वो सुबह एक लड़का बनी हुई मिले, तो वो क्या करना चाहेंगी, मतलब उनको क्या ख्वाहिशें हैं उनकी, कि अगर काश वो लड़का होती तो वो ये चीज करती या लड़का होती तो वो चीज करती। तो उनसे ये चीज पूछी गई है कि अगर आपका जेंडर चेंज हो जाए तो आप क्या करना चाहोगी। अब उन लोग को पता है कि लड़के किस तरह के होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के लड़के किस तरह के, उन लोग को पता ही होगा। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वो शायद चीजें बोलने वाली हैं। और मैंने थोड़ी सी झलक देखी थी वीडियो की, तो मेरे को काफी अतरंगी सी लगी, मतलब काफी अतरंगी बात बोली लड़की ने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे भी रिएक्शन बनाया जाए। पाकिस्तान की वीडियो है एक तो, और ऊपर से इतनी अतरंगी चीजें, मतलब वहां के नमूनों का तो मैं मतलब जिक्र करती ही रहती हूँ आप लोगों के सामने। तो क्यों ना एक और ऐसी वीडियो पे रिएक्शन दिया जाए कि भाई क्या ही बोल रहे हो, क्या ही, मतलब अलग ही तरह की ख्वाहिश है, अलग लेवल की ख्वाहिश है इस लड़की की, मतलब जितना भी मैंने सुना। तो मैं आगे सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आगे वाली लड़कियां क्या बोलेंगी। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चेंज हो जाए तो क्या करोगी? सुबह उठो लड़का बनी हुई हो, सबसे पहले क्या करो? होगा ही नहीं। नहीं, अगर जेंडर चेंज हो जाए तो क्या करना पसंद करोगी? मैं क्या करना पसंद करूंगी? हाई लेवल की बूंदी। समझ रहे हो, हाई लेवल की बूंदी कैसी होती है मुझे भी नहीं पता, बताना। वो बस लड़कों को पता है, तो भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, लोगों को भी पता चलेगा। वो जब बनूंगी नहीं, थोड़ा सा बता दो। और उसके साथ साथ और क्या करोगी? चलो हाई लेवल की पुंडी में कितनी लड़कियां सेट करोगी? लड़के क्या करते हैं, कोई लड़की को देख ले तो नीचे से शुरू होते हैं ऊपर तक देखते हैं। कैसे नीचे से ऊपर तक? ऊपर से नीचे नहीं देखते, नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं ऐसे। ओ माय गॉड, लड़के सुन रहे हैं, उनको पता है यही होता है ना। अच्छा, नीचे से ऊपर तक देखते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? फिर कहते हैं वाओ ये चीज, बड़ा हरामी हो बेटा ये चीज। और क्या बोलते हैं? फिर कहते हैं यार, फिर अपने दोस्तों को कहते हैं यार ये तेरा माल है। अच्छा, तेरा माल है, मेरा माल है, उनको कहते हैं यार ये तेरे मुताबिक का माल जा रहा है। अच्छा, आपको बंदा मिल गया यहाँ पे? नो। क्यों? और ऐसा हो भी ना, क्यों? सुपीरियर है, मतलब ऐसा क्या है यार, बंदा मिलने को तो मिल नहीं भाई, कोई लड़का आगे पीछे से देख रहे हैं, बताओ। नहीं यार, वो बस पुंडी करते हैं, लॉयर कोई भी नहीं होता। नाजरीन, रिश्ता दरकार है इस लड़की का जिसको पसंद है आके रब्ता करे, ठीक है? राजी, लॉयल बंदा आएगा अब, ठीक है? ठीक, थैंक यू सो। हम लोग बैक बेंचर्स हैं, चिल माहौल है बस हमारा। आप इंसान चिल माहौल ना बस। ये आपके साथ वाली को क्या टायर लगे हुए हैं? मुझे पहले तो आप बताओ कि अगर आपका जेंडर चेंज हो जाए तो सबसे पहले क्या करोगी? हम लड़के बन जाएंगे। नया क्या है? तो लड़के तो बन ही जा रहा है, मैंने कब कहा खुसरे बन जाओगे, लड़के ही बनना है, बताओ क्या करोगे? क्या अच्छी सी बंदी फसाएंगे? मैंने कहा इसका थड़क पर नहीं जाना, उसका तो चलो नहीं जाना, तुम्हारा फिर भी नहीं जाना, तुम्हारा नहीं जाता उससे भी ज्यादा होना, ज्यादा है इसका, मेरे से भी ज्यादा। ये ऐसे बोल रही है, शर्मा के जरिए देंगे। मुझे लगता है तुम अभी भी लड़के ताड़ती हो। हंस के रही हो, बताओ। नहीं, हंसी के पीछे कोई तो राज है ना, है? हाँ है, अभी भी लड़के बोला मैं ताड़ती हूँ, मतलब छेड़ती हूँ। नहीं जरूरी नहीं लड़कों का ही रीजन। अच्छा, समझ रहे हो? अच्छा, तो तुम बताओ ना, तुम सबसे पहले क्या करोगी और पीछे क्यों भागती जा रही हो? भाई आगे आ जाओ, क्या करोगे? क्या करेंगे बताओ?
लोगों को भी फन करवाएंगे, खुद भी करेंगे। ये होंगे कि बहुत फनी होंगे, खुद भी फन करेंगे और दूसरों को भी फन कराएंगे। बंदा मिलेगा आपको या डिग्री? बंदा ही डिग्री। दुआ है कि दोनों ही मिल जाए। यार ये कितनी और समय काम चाहती। कितने बंदे चाहिए? क्योंकि उसका बंदा है ना भाई, तुम कैमरे के सामने नहीं बोल रही। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपका जेंडर चेंज हो जाए, आप लड़की से लड़का बन जाओ, तो क्या करोगी? सबसे सारी से रात घर भी नहीं आया करूँगी, वादा करती करूँगी। क्यों शादी नहीं करोगी? हाँ चार शादी करनी है, लड़का बन नहीं हो गया मतलब कुछ भी। यूनिवर्सिटी का क्या, लड़के प्यारे नहीं है? हाँ लड़के वाकई नहीं प्यारे यहाँ पे। क्यों नहीं प्यारे? इतने प्यारे प्यारे लड़के हैं। मुझे कोई प्यारा लड़का दिखाए यहाँ पे बैठा हुआ है सामने, इतना हसीन लड़का खड़ा हुआ, सेट कर लो। नहीं नहीं, क्या है उसको खारिश पड़ी है या उसकी एक टांग नहीं या उसकी टिंडो? इतना प्यारा तो है नहीं, मुझे किसी को नहीं फंसाना यहाँ जाएगा। अभी मैं पढ़ने आई हूँ यहाँ पे। आपकी दोस्त ने बता दिया आप रिलेशन में हो, वांडा फूट गए। सो डोंट बी सो शरीफ। खत्म, बाय बाय, टाटा। सो गाइस, मतलब लड़के तो लड़के हैं, ये लड़कियां भी कम नहीं है। उनका ठरकपन साफ दिखाई दे रहा है कि मतलब वो कुछ अच्छा नहीं बोल रही कि अगर वो मतलब उनका जेंडर चेंज हो जाता है, वो बाय चांस लड़का बन जाती है। और महान हस्ती जेंडर चेंज होगा तो क्या बनेंगे? लड़का बनेंगे। अरे भाई, तभी मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान वालों के जो दिमाग है ना, मतलब इतने हाई लेवल की क्रिएटिविटी रहती है उन लोगों के दिमाग में। इतना हाई लेवल का दिमाग है उनका, हम लोग तो शायद कभी उनको बीट ही नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग कहीं चलेगा ही नहीं उन लोग के आगे, उनका इतना तेज दिमाग है। मतलब कितनी नई चीज बताई उस लड़की ने कि जेंडर चेंज होने के बाद वो लड़का बन जाएंगे। अबे छोड़ो, जो भी है, बट देख रहे हो आपकी भाई कैसे उन लोग को, मतलब उन लोग को ये दिखता है कि लड़का बनना है तो लड़की को सेट करना है, लड़कियों को ताड़ना है। भाई लड़के शरीफ भी होते हैं और लड़के अच्छे भी होते हैं। हमारे इंडिया के लड़कों को देख लो, सारे तो नहीं है, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे बहुत हैं, बट बहुत लड़के ऐसे हैं जो बहुत शरीफ हैं, लड़की को बहुत अच्छी नजर से देखते हैं, ताड़ते नहीं है, देखते हैं। देखने में और ताड़ने में बहुत फर्क होता है, घूरने में बहुत फर्क होता है। ताड़ना मीन्स घूरना। तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के इंडिया में हैं, पाकिस्तान में, मतलब इनसे ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान में लड़के यही चीज करते हैं, तभी उन लोग को सिर्फ यही चीजें दिखती हैं कि अगर जेंडर चेंज होता है तो हम लोग यही, मतलब उन लोग को दिख रहा है कि भाई लड़कों के कितने मजे हैं, चार चार शादियां हो जाती हैं, लड़के सारे दिन लड़कियों को ताड़ते रहते हैं। अरे भाई तुम लड़की हो, तुम भी तो ताड़ सकती हो, तुम ताड़ लो लड़कियों को। तुमको किसी ने, तुमको तो शायद कोई क्वेश्चन भी नहीं उठाएगा कि भाई तुम उस लड़की को ऐसे क्यों घूर रही हो। लड़कों को तो फिर भी लोग टोक देते हैं कि भाई क्यों देख रहे हो उस लड़की को ऐसे। लड़कियों को तो कोई कहेगा भी नहीं, अगर इनको इतना ही इंटरेस्ट है लड़कियों में तो इनको कर, मतलब देख लेना चाहिए ना, ताड़ लेना चाहिए। क्या हो गया? जो दिल करता है, जो दिल बोलता है वो करना चाहिए, कभी भी दिल पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो आप लोग भी जो आपका दिल करता है वो करो, मतलब ताड़ो मत, देखो मगर प्यार से। सो आई होप गाइस आप सबको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आप लोगों को पता लगा होगा कि भाई, और ये फैक्ट है, लड़कियों में ना थोड़ा ज्यादा ठरकपन होता है, ऐसा मैंने भी सुना है कि होता है, बाकी पता नहीं। सो आई होप आप सबको पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो गाइस, सब्सक्राइब तो बनता है प्लीज, तो सब्सक्राइब कर देना और चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वीडियोस और भी आकर देखते रहो, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। सो ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक